नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉक्स ऑफिशियल। हम हैं रामकलास यादव। आज के वीडियो में हम बात करने वाला हूं एचएफ गाय किसानों को बर्बाद कर रही है। इनकी वजह से काफी किसान जो है नुकसानी खाकर अपने फार्म को बंद कर दिए हैं। एचएफ गाय जब पालन किया जाता है इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या नुकसान आता है, क्या क्या समस्या आती है, जिसके कारण एचएफ गाय पालना किसान या बड़े फार्म वाले जो हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है और कहां कहां पर ये हमें नुकसान देती हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर हम बात कर लेते हैं इनके जो दिक्कत होता है, जो इनकी समस्या होती है पालन में, किस तरह से नुकसान जाता है, ऐसे में 8 पॉइंट हम कवर करूंगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी एचएफ गाय के बारे में। देखिए, जो पहला कारण इसमें देखने को मिला है, जो पहली कमी देखने को मिली है, ये जो है बार बार रिपीट हो जाती है, बार बार रिपीट होती हैं और ये बार बार हिट में आती हैं और बार बार में इसे एआई कराते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा समय तो किसान का इसमें बीत जाता है, जो फार्मर है सबसे ज्यादा इसमें बीत जाती है। रिपीटर अधिक निकल जाते हैं और ये दूध ज्यादा देती हैं। अब रिपीटर अगर ये बार बार निकल रही है तो किसान को कितना नुकसान जाएगा, उनका समय खराब जाएगा। जैसे कि देखने को मिलता है दूध देने की क्षमता ठीक है, दूध दे रही है, इसके कारण तो इसका पालन किया गया है। अब यहीं पर जैसे कि रिपीट हो रही है, एआई कराया, मतलब पता लगा 2 वर्ष तक रिपीट होती रही, उसके बाद पता चला कि ये गाभिन नहीं ठहर रही है, तो किसान के यहाँ नुकसान जाता है, समय खराब गया। अगर गाभिन हो जाती, गर्भवती हो जाती तो समय पर बच्चा कर देती और किसान को मुनाफा होता, और ये ज्यादा दूध तो देती है लेकिन ये रिपीट होने की समस्या इसमें अधिक देखने को मिलती है। दूसरी जो कमियां देखने को मिला है वो आता है थनेला रोग। इसमें जो है थनेला रोग देखने को मिलता है। थनेला रोग कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि ये दूध अधिक देती है, दूध अधिक देने के कारण इनके जो दूध का छिद्र होता है लंबे समय तक खुला रहता है। लंबे समय तक खुला रहने के कारण इनके जो थन है इसमें बैक्टीरिया जो है लग जाते हैं, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इनके थनों में अधिकतर रोग या बीमारी देखने को मिलता है। थनेला रोग हो गया, फिर क्या, दूध नहीं निकल रहा है, एक थन उसका ऊपर चढ़ गया, एक थन जो है खतना खराब हो गया, मतलब ऐसी समस्या देखने को अधिक मिलती है, जिससे कि किसान काफी परेशान हो जाते हैं और इसके इलाज भी कराते रहते हैं। पता लगा एक इलाज करा रहे हैं, दूसरे में थन में हो जाता है, तो ऐसे में क्या है कि किसान इससे भी जो है परेशान होते हैं। तीसरी जो कमियां इसमें देखने को मिलती है वो है इम्यूनिटी पावर। इनकी जो इम्यूनिटी पावर है ये काफी कमजोर होती है। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण इसमें जो है बैक्टीरिया जल्दी हावी हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी आती है, जब कोई भी बीमारी आती है तो इन पे जो है जल्दी हावी होती है। कोई भी बीमारी हो गई अन्य पशुओं करते इस एचएफ गाय में वो बीमारी जल्दी हावी होती, क्यों, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। और जब ये बीमारी आ जाती है, बीमार हो जाती है, तो किसान जो है पैसे खर्च करते हैं, इलाज कराते हैं, दवा कराते हैं, जिसके कारण उनका खर्च और बढ़ने लगता है, खर्च ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमजोर है। और अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट का, इनका जो दूध होता है, रिसर्च में पाया गया है, एक रिसर्च में मिला है कि इनका दूध A1 होता है। A1 जो दूध होता है वो स्वास्थ्य के लिए, इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई भी अगर इसको खाता है या पीता है, इनके एचएफ गाय का दूध, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दिक्कत होता है, उनके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक बताया गया है। अब इसमें पांचवे की अगर हम बात कर लेते हैं तो पांचवा आता है, इसमें अगर मिनरल्स विटामिन की कमी से ऐसा देखने को मिला है, जब दूध ज्यादा देती हैं तो उनका दूध जो निकाला जाता है, दूध ज्यादा देती हैं तो दूध ज्यादा पाने के लिए जब हम दूध ज्यादा ले लेते हैं तो उसमें उनके जो है कैल्शियम मिनरल्स की कमी हो जाती है, और जिसके कारण देखने को मिलता है उनके जो है पैर में लंगड़ापन, लंगड़ापन की शिकायत आ जाती है। जब लंगड़ापन की शिकायत आती है तो भी किसान दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं, जिसके कारण उस समय भी इनका ज्यादा और खर्च बढ़ने लगता है।
ये लंगड़ापन का जल्दी शिकार हो जाते हैं। अब छठे पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो देखिए रख रखाव, इसके लिए जो है रख रखाव का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गाय है फॉरेन की नस्ल है, ये ना तो ज्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सकती हैं और ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं। अधिक अगर ठंडी पड़ रही है तो इनके लिए हानिकारक है, तो भी इनको बीमार हो सकती हैं, ठंड लग सकती है, और अधिक गर्मी अगर चल रही है तो भी ये उस समय दूध कम कर देंगी, दूध घट जाएगा, और अधिक ठंड लग गई तो भी दूध घट जाएगा, दूध कम हो जाएगा। तो इसके लिए इनका जो विशेष रख रखाव रखना होगा, चाहे ठंडी के सीजन हो तो गर्मी के सीजन है, तो विशेष ध्यान रखना है। और सातवां जो पॉइंट आता है, इनके लिए जो हरा चारा का जो होता है व्यवस्था जरूर करिए। अगर ऐसे आप गाय पालन कर रहे हैं तो इनके लिए हरा चारा, मिनरल मिक्सचर पाउडर, ये सारी चीजों का व्यवस्था करिए। मिनरल मिक्सचर पाउडर जो भी दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी के देना है, और अच्छा जिसमें बढ़िया हो अच्छी कंपनी के देना है, और साथ ही साथ हरा चारा जो है पर्याप्त मात्रा में इन्हें देना होता है। अब किसान भाइयों आवाज आती है आठवां पॉइंट, जो लास्ट है आठवां पॉइंट। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जो एचसीएफ गाय पालन करना चाहते हैं, देखने को मिलता है कि किसान जो है जब ये एचसीएफ गाय पालन कर लेते हैं तो उन्हें कोई तरह कोई चीज की जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ यही देखते हैं कि एचसीएफ गाय ज्यादा दूध देती है, चलो एचसीएफ गाय खरीद लाते हैं और हम पालन कर लेते हैं। कितने किसान है छोटे से शुरुआत करते हैं, एक गाय से दो गाय से शुरू कर देते हैं और अपना फार्म चलाने लगते हैं। तो होता क्या है कि यही सब समस्या देखने को मिल जाती है, और उन्हें जानकारी रहता नहीं है कि हम जो अपने पशुओं को किस तरह से देख रेख करना है, किस तरह से रख रखाव करना है, गर्मियों से कैसे बचाना है, सर्दी से कैसे बचाना है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। और वो जो है तुरंत मतलब पैसे के लालच में, भाई हम इसका दूध ज्यादा होगा तो हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, हम दूध इसकी बिक्री करेंगे। तो इसकी वजह से जो उन्हें जानकारी नहीं होता, जो नए नए किसान है सिर्फ देखते हैं कि उस डेयरी फार्म ने देखा उतना थन किया था और वो 20 लीटर दूध दे रही है, 25 लीटर दूध दे रही है, 18 लीटर दूध दे रही है। ऐसे में क्या है वो भी उसी तरह से उस गाय को कहीं से भी लेकर मेले से या फार्म से भी खरीद लेते हैं और खरीद के आए लेकर चले आए। ऐसे में अगर एचसीएफ गाय पालन करना है तो प्रॉपर तरीके से अपने जो है नजदीकी जो है जिला हेडक्वार्टर या पशुपालन विभाग में इसकी जो है ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा। ट्रेनिंग लेने से आपको संपूर्ण जानकारी रहेगी, इसकी रख रखाव का, खान पान का क्या देना है, कब दवा देना है, कौन सी दवा देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा देनी है और कब इसे क्या देना है, पूरी पूरी जानकारी रहेगी। गर्मी में किस तरह रखना है, ठंडी में कैसे रखना है, तो संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको। किसान भाई पता होगा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है, तो इसकी ट्रेनिंग लेकर करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और गाय पालन करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।